Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Momita. So guys, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार ओपनिंग्स आया हुआ है। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन यहाँ पर सिस्टम यानी कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब आप अप्लाई करते ऑन द स्पॉट आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है। अगर आप असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर लेते आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते देन आपका जॉब आपके हाथ में आ जाता है एंड आपका करियर जो है वो सेट हो जाता है। यहाँ पर टोटल 4 डिफरेंट प्रोफाइल्स पे ओपनिंग आया हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप एज ए 12th पास अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते, एज ए ग्रेजुएट अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तब भी अप्लाई कर सकते, किसी भी स्ट्रीम से अपने अपना ग्रेजुएशन क्यों ना कंप्लीट किया हो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल यहाँ पर आया हुआ है एंड यहाँ पर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते, सारे के सारे एकदम कैरियर बेस्ड प्रोफाइल है। सो आज के इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ चीजें स्क्रीन शॉट करके दिखाने वाली हूँ, सो वीडियो को कंप्लीट देखना उसके बाद ही फिर अप्लाई करना, तो आपको यहाँ पर असेसमेंट का जो लिंक है वो बहुत ही फास्ट आ जाता है। ओके, एंड अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक यार जरूर से कर देना। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स मिल जाते हैं। नाउ इसी के साथ चलते आज की टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको दो लिंक्स मिल जाएंगे, एक तो है ये वाला पोर्टल जहाँ पर आपको सारे के सारे जॉब्स यहाँ पर मिल जाएंगे, दूसरा है ये वाला पोर्टल। तो पहले किस पोर्टल पे आपको क्या चूज करना है वो पहले देख लेना, उसके बाद ही फिर अप्लाई की तरफ जाना। एंड यहाँ पर आपके सारे के सारे जॉब्स वर्क फ्रॉम होम में होने वाला है, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, आप सिंपली घर बैठे यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको Amazon VCS का एंड टेक्निकल का जॉब मिल सकता है। 3 अलग अलग यहाँ पर बॉक्सेस दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स के ऊपर टैप कर लेते कस्टमर बी एंड एम एंड VCS के ऊपर, उसके बाद फिर नीचे आपके सामने सारे के सारे जॉब्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के लिए वर्चुअल CSE का ओपनिंग आया हुआ है, यहाँ पर 12th पास लोग अप्लाई कर सकते, एज अ फ्रेशर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते एंड वर्क फ्रॉम होम का जॉब आपका यहाँ पर होने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन यहाँ पर आपको सिस्टम भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये CSE वाला एंड सेकेंड CSE वाला जो जॉब है ये वर्क फ्रॉम होम में नहीं है। उसके बाद फिर वर्चुअल CSE कर्नाटका के लिए, यहाँ पर भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का जॉब यहाँ पर आपका होने वाला है एंड वॉइस प्रोसेस का काम आपका यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है वर्चुअल CSE, ये तमिलनाडु के लिए आया हुआ है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये CSE वाला जो है वर्क फ्रॉम होम में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल कस्टमर सर्व उत्तर प्रदेश के लिए ये आया हुआ है, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर आप उसके नियरेस्ट किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते देन आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सारे लोकेशन के लिए ये वाला ओपनिंग आया हुआ है। यहाँ पर अगर आपका लोकेशन मेंशन नहीं है देन आप अपने नियरेस्ट लोकेशन यहाँ पर चूज कर सकते हैं एंड फॉर्म को सिंपली फिल कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड ओपनिंग आया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपने यहाँ पर कस्टमर बी एंड एम VCS चूज किया हुआ था, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस बी एंड एम एंड VCS चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे सारे के सारे जॉब्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट नोएडा के लिए, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है। उसके बाद फिर है हैदराबाद और उसके बाद पुणे एंड कोलकाता लोकेशन के लिए ये सारे ओपनिंग्स आया हुआ है। एंड यहाँ पर आप एज ए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो थर्ड ओपनिंग आया हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम ऊपर में दिया हुआ है कस्टमर ट्रस्ट एंड पार्टनर सपोर्ट के लिए, यहाँ पर सिंपली आपको बॉक्स पर क्लिक कर देना है एंड एकदम नीचे सारे के सारे जॉब्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर अकाउंट हेल्थ सपोर्ट स्पेशलिस्ट, उसके बाद बिजनेस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट और भी बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर दिया हुआ है, पर ये सारे वर्क फ्रॉम होम में नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपडेट डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम में सबसे पहले है SPS इन वर्क फ्रॉम होम कोलकाता लोकेशन के लिए सेलर पार्टनर सपोर्ट, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है सेलर पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट, ये भी कोलकाता लोकेशन के लिए है, ये वर्क फ्रॉम होम में आपका होने वाला है, मुंबई लोकेशन के लिए है, हैदराबाद के लिए है, दिल्ली के लिए है, बेंगलोर के लिए है, पुणे के लिए है,
और भी बहुत सारे लोकेशन के लिए सारा का सारा जॉब्स अवेलेबल है। आज का जो लास्ट वन अपडेट आया हुआ है वो आपको यहाँ पर सिंपली चूज कर लेना है, वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन वाला सेक्शन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रॉन एसोसिएट के लिए जॉब ओपनिंग्स आया हुआ है। एक है बेंगलुरु लोकेशन के लिए जो कि आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब होने वाला है, एंड दूसरा है दिल्ली लोकेशन के लिए जो कि आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है। ट्रॉन एसोसिएट में क्या होता है, अमेजन की जो वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ पर मशीन्स जो है वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। बस आपको वहाँ पर मशीन्स का ध्यान रखना है कि वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, बस यही आपका काम यहाँ पर होने वाला है। सो ये थी आज की सारी जॉब ओपनिंग्स। अगर आप यहाँ पर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल पर एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक मेल आ जाता है असेसमेंट टेस्ट के लिए। जैसे आप उस असेसमेंट टेस्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप असेसमेंट को अपने मोबाइल के थ्रू नहीं दे सकते, यहाँ पर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की ज़रूरत है असेसमेंट टेस्ट को देने के लिए। एंड जब आप असेसमेंट टेस्ट को दे रहे तब थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके आसपास कहीं पे भी कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना आए, आपका माइक जो है वो अच्छे से वर्क करे, यहाँ पर वेबकैम जो है वो भी अच्छे से वर्क करे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार अप्लाई करके जरूर से देख लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।